दोस्तों, मैं प्रवीण मेरे पीकेपी चैनल में, पीके फन के चैनल में आपका स्वागत है। मैं अपने चैनल में आज बात करूंगा डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर का पेपर एंड सेम एग्ज़ाम सेकंड सेमेस्टर का बारे में। तो एनवायरनमेंट विषय दोस्तों, चैनल शुरू करने से पहले सबसे पहले लाइक करें और दोस्तों को अपने एनवायरनमेंट वाले दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दें, प्लस सर्च करें पीके पंचा। क्या करें? लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटा दें और सर्च करें पीके पंचा। दोस्तों, हम बात करेंगे कि एंड सेम यानी सेकेंड सेमेस्टर की। तो सेकेंड सेमेस्टर में कैसा पेपर आता है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर वाला, तो एनवायरनमेंट का, तो देख ले रहे हैं कि बीए, देख ले रहे हैं बीए प्लस बीएससी, फिर प्लस बीकॉम एंड बीकॉम एंड सेमेस्टर। ये पेपर है दोस्तों 2019 की, एग्जामिनेशन 2019, एनवायरनमेंट स्टडी यानी एनवायरनमेंट स्टडी, वातावरण या पर्यावरण कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो ये स्टडी टाइम रहेगा इसका कितना, 3 घंटे दोस्तों टाइम रहेगा, 3 आवर्स। नोट, सभी प्रश्न हल करना, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लिखा रहेगा। टोटल मार्क्स रहेगा कितना, 60 नंबर, और 40 नंबर में 20 नंबर मिनट का रहेगा दोस्तों, और 20 नंबर प्रेजेंटेशन का रहेगा। टोटल 40 नंबर वो रहेगा और 60 नंबर का एंड सेम एग्ज़ाम होगा। ये सेकेंड सेमेस्टर का एनवायरनमेंट है दोस्तों, और दोस्तों को शेयर करें। तो इस तरह कुछ रहेंगे पेपर में, देखेंगे तो खंड आ या सेक्शन ए में वास्तविक प्रश्न रहेंगे दोस्तों। नोट, सभी विकल्प चुने जाएंगे इसमें, ये टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर के, टोटल मिला के 10 नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन एक एक नंबर के, टोटल मिला के 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक में देख लेते हैं कि ऊर्जा का अनाविकीकरण स्रोत है, तो ये इनमें से आपको बताना है मुझे कमेंट करके कि कौन सा होगा, और जो गलत होगा तो मैं आपका आंसर दूंगा। क्योंकि अगर अभी से अगर आपने पूरा मतलब क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट कर दिया ना दोस्तों, तो पेपर तक में देखना क्या होगा। नंबर दो है परिस्थितियां शब्द किसने प्रस्तावित किया, तो ये बताना है दोस्तों कि परिस्थितियां शब्द किसने प्रस्तावित किया। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि किसी भी जाति को नया स्थान पर सरलतापूर्वक स्थापित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर चार है दोस्तों, निम्न में से प्रदूषण का प्रमुख कारण है, ये तो सरल है दोस्तों, तुरंत कमेंट करके और बताते जाइए जिसमें से कि मैं आगे का क्वेश्चन भी अच्छे से बना सकूं। क्वेश्चन नंबर पाँच है, प्रश्न नंबर पाँच, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के क्षरण का मुख्य कारण है, तो इनमें देख लीजिए दोस्तों और फिर बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स आ जाता है, प्राकृतिक वास के अनुदान के द्वारा संरक्षण किया जाता है, इसका चार प्रश्न है, ये चारों में से बताना है कि कौन सा होगा। अगर गलत होगा तो पेपर की तैयारी से अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये देख लिए क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्न नंबर सात क्या कहता है, ध्वनि प्रदूषण को ध्वनि मीटर से मापा जाता है, उसकी इकाई क्या होगी, तो आप ये देख लीजिए दोस्तों और फिर बताना है मुझे कि क्या होगा। प्रश्न नंबर आठ कहता है, निम्नलिखित में से वनों की कटाई का कारण नहीं है, निम्नलिखित में से वनों की कटाई का कारण नहीं है, तो ये देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नौ क्या कहता है,
जल नियंत्रण और निवारण अधिनियम किस वर्ष आया, तो इसमें बताना है किस वर्ष आया मुझे कमेंट करके, जिसमें से मैं और आगे बना सकूं। फिर प्रश्न नंबर दस क्या कहता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये तो सबसे आसान काम है दोस्तों, क्योंकि आप तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, तो ऑलरेडी आपको पता ही होना चाहिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये यहाँ पे दिए हैं विकल्प दोस्तों। एमसीक्यू वाला ख़त्म हो गया, अब खंड बाद देखते हैं सेक्शन बी में लघु उत्तरी प्रश्न। तो इसमें क्या करना है कि इसमें तो प्रश्न दिया है छः दोस्तों, मगर छः में से चार है हल करना। कितना? चार, जिसमें से कि चार हल करना है। कितने नंबर का है? पाँच नंबर का। तो चार क्वेश्चन हल करेंगे पाँच नंबर का, तो चार पंचे बीस, तो कितने हो गए? बीस नंबर का दोस्तों। तो ये लघु उत्तरी वाला क्या कहता है? पाँच नंबर का, सतत विकास को परिभाषित कीजिए, उसके क्षेत्र और महत्व को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इंग्लिश वाले देख सकते हैं क्या क्या लिखा है। वनों की कटाई पर टिप्पणी लिखिए, क्या करिए? वनों की कटाई पर टिप्पणी लिखिए। बांध निर्माण में इसके कारण और प्रभाव को समझाइए, बांध निर्माण में उसके कारण को प्रभाइए। प्रश्न नंबर तीन क्या कहता है? जैविक विविधता के स्तर पर संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इंग्लिश वाले देख सकते हैं दोस्तों। ध्वनि प्रदूषण पर टिप्पणी लिखिए। अगर मैं इंग्लिश वाला बना रहा हूँ वीडियो, तो उसमें लंबा हो जाएगा थोड़ा, इसीलिए मैं इंग्लिश वाला नहीं बना रहा हूँ, हिंदी वाला बना दे रहा हूँ दोस्तों। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। किस पे लिखेंगे? बाढ़ पे लिखेंगे और भूकंप अर्थक्यूब के लिखेंगे, फ्लोड पे और अर्थक्यूब पे लिखेंगे। तो इंग्लिश वाले देख सकते हैं। प्रश्न नंबर छः क्या कहता है कि परिस्थिति क्या है? जलीय परिस्थिति को संक्षिप्त में समझाइए दोस्तों। तो ये पारिस्थितिक तंत्र, जलीय परिस्थितिक आपने पढ़ा ही होगा। और खंड सा सेक्शन सी क्या कहते हैं? दीर्घ उत्तरी प्रश्न, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर देना है इसके लिए। तो ये कितने होंगे? ये तीन है दोस्तों, तीन उत्तर देना है इसके लिए, ठीक है। थ्री, यानी कि दस नंबर का तीन प्रश्न है। तो तीस नंबर का टोटल रहेंगे ये सेक्शन सी वाला। तो सबसे पहले दोस्तों इसके लिए सेक्शन सी मैं पेपर के समय में वीडियो बना दूंगा कि कितने समय में कौन सा प्रश्न हल करना है। दोस्तों लॉन्ग स्ट्रिक का देख रहे हैं हम। प्रश्न नंबर एक, पोषण स्तर क्या है। एक परिस्थितिक तंत्र में पोषण स्तर का आरेखीय निरूपण कीजिए। इस तंत्र में ऊर्जा प्रभाव का वर्णन कीजिए। इंग्लिश वाले देख सकते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर दो क्या कहता है? जैव विविधता के संक्षिप्त को विस्तार से समझाइए। इंग्लिश वाले देख लें। मौसम परिवर्तन और वैश्विक तापन को विस्तार से समझाइए। और ओजोन परत के लैंड डिग्रेडेशन एवं सोइल्ड इरोशन पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर पाँच क्या कहता है? लैंड डिग्रेडेशन एवं सोइल्ड इरोशन पर टिप्पणी लिखिए। ये इंग्लिश से देख सकते हैं आपको, जिसको समझ में नहीं आए तो ठीक है दोस्तों। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। ये हिंदी गद्य एवं विकास MIL का रखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज। और किसी का वीडियो चाहिए, पेपर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं PK चैनल पे। तो दोस्तों एक बार और बोल देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें, प्लस दोस्तों को शेयर कर दें, जिसमें से कि जो दोस्त नहीं क्लास में आ पाए हैं वो पेपर जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। और सर्च करें PK Fun के और भी पेपर देखने के लिए डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी से संबंधित। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी शेयर करें, और ये मेरा क्वेश्चन जो बोला हूँ उनका आंसर बताना है आपको। अगर आप आंसर बताएंगे तभी आप
आगे अच्छे से समझ पाएंगे।